दैनिक स्टेट समाचार दी डोगरी टॉप 10 खबरें च तुंदा स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि श्रीनगर च आतंकवादियों अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक ते मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर उर्फ लटरम की संपत्ति की जब्त कर दिया गया। आतंकवादी मुश्ताक जरगर की कंधार च जहाज अपहरण दौरान मसूद अजहर के कन्ने रिहा कर दिया गया है। आतंकवादी मुश्ताक साबका केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की धी रुबिया सईद के अपहरण च भी शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आख्या है कि कुछ लोग बिजली उत्पादन अतिक्रमण हटाने की मुहिम ते संपत्ति कर बारे प्रदेश के लोगों की गुमराह करने की कोशिश करा दें। टैक्स देने च जो समर्थन उए दुए की भड़का करते हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी टैक्स दायरे च नहीं आवा करती है। फिर भी कश्मीर च बरखा ते बर्फबारी ने कई जिले का पारा कट हो गया है। इत्थे मते हारे हिस्से च भी ठंडा महसूस हुआ करता है। जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्से च बदल छाए दे। मौसम केंद्र श्रीनगर के मुताबिक वीरवार कुछ हिस्से च बरखा ते बर्फबारी हो सकती है। डोडा जिले के 118 आतंकवादी पाकिस्तान ते पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POGK च सक्रिय हैं। इन्दे च 10 मते सक्रिय हैं जो प्रदेश च आतंकवाद प्रचार ते प्रसार च जुड़े दें। इसके लिए वह आतंकवादी संगठन च युवाएं की भर्ती करा दें। यह जानकारी देते हुए SSP डोडा अब्दुल कयूम होरें आख्या है हाल च गए उन्दे शां दो ही आतंकवादी घोषित किया गया है। कंडी इलाके लिए मती जरूरी शाहपुर कंडी परियोजना निर्धारित समय के अंदर पूरी नहीं हुई सकल। कठुआ जिले च तकरीबन 2793 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की समय सीमा 31 मार्च 2023 ही, पर अजे तक सिर्फ जमीनी काम के पूरा हो सकया है। शहर के बस स्टैंड थमां 2 रोहिंगे नागरिकों की गिरफ्तार किया गया है। दोनों नेपाल के रस्ते गैर कानूनी तौर पर जम्मू पुजे। इथुआ श्रीनगर ते श्रीनगर थमां LOC पार करी अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने स्टेट महकमे की निर्देश दिता है वो सरकारी घरें पर अतिक्रमण करने वाले 53 साबका मंत्रियों ते विधायकों का ब्यौरा अदालत के सामने पेश करन। ये निर्देश बुधवार इस मामले कन्ने जुड़ी दी याचिका पर सुनवाई दौरान मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह ते न्यायाधीश संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिते। बारामूला जिले च पुलिस ने 2023 च अजे थोड़ी 58 लोगों की नशा तस्करी पर कथित तौर पर शामिल होने के मामले च गिरफ्तार किया। अफसरी जानकारी दिती पुलिस ने जनवरी ते फरवरी दौरान जिले थमां कालाबाजारी च 3,57,82,000 रुपए के नशीली पदार्थ जब्त किए। इस बारे बारामूला जिले च नशा बेचने वाले खिलाफ 40 और मामले भी दर्ज किए गए हैं। जम्मू विश्वविद्यालय च पेपरें दौरान नियमें का उल्लंघन करने पर 7 जागतों की चेतावनी जारी की है। इस संबंध च एक अधिसूचना भी जारी की गई है। बुधवार संजा पुलिस ने बड़ी ब्राह्मण के बाट शेर रजीत कलोनी के लेबर चौक पर फ्लाईओवर हेठ सिड़का पर रेहड़ी फड़ी लाने वाले पर लाठीचार्ज किया, जिस करी अफरा तफरी का माहौल बनिया। लाठीचार्ज दौरान 3 शा 4 बंदे जख्मी भी हो गए। पुलिस का आखना यह रेहड़ी फड़ियों पर शराब बेचने की शिकायत करिए यह कार्रवाई करनी पी। यही आज दिन डोगरी टॉप 10 खबर तुम बने दे रहो दैनिक स्टेट समाचार कने। नमस्कार। सत्य चलेंगे।